देखें, देर इज़ नो कंपैरिजन. मैं कभी भी ये दावा नहीं करती और ना ही मेरी ये जुस्तुजू होगी कि आई वॉन्ट टू टेक हिज प्लेस. अरशद की कोई जगह नहीं ले सकता. अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे. वो अपनी ज़िंदगी में ही हैड ग्रोन सो बिग. अपनी ज़िंदगी में ही उसको इतनी मोहब्बत और इतनी इज्जत मिल गई और अपनी शहादत में तो वो ही इज़ लार्जर देन लाइफ. अमर हो गया, बिल्कुल. वो डट के खड़ा रहा हक और सच के रास्ते पे. उसने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. मेरे अभी ये बातें करते हुए भी रोंगटे खड़े हो गए. मेरी आंखों के सामने अरशद है और हमेशा रहेगा. उसका हंसना, उसका बोलना, उसका एक स्टांस लेना, यू नो, ही वाज अ पर्सनल फ्रेंड एज वेल. को एक बार फिर हम खुशामदीद कहते हैं और अब जिनसे हम आपको मिलाने जा रहे हैं आप सब उनसे वाकिफ हैं. और जनाब क्या ही पर्सनालिटी है, क्या बोलती हैं और क्या उनका तज़िया होता है. ज़बरदस्त पर्सनालिटी के साथ, दबंग अंदाज के साथ जी वो अपना मौकिफ पेश करती हैं. सहाफती दुनिया का बड़ा नाम, मीडिया इंडस्ट्री का बड़ा नाम, मेहर बुखारी साहिबा, जो कि अब ARY न्यूज का हिस्सा बन चुकी हैं, आज वो हमारी गेस्ट हैं. बिल्कुल जी, आज ईद के इस मौके पर, पुरमसरत मौके पर और ख़ास तौर पर बाखबर सवेरा ईद स्पेशल के मौके पर वो हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमारे शो का हिस्सा बनी है. वेलकम टू द ARY फैमिली मेहर. थैंक यू सो मच सती साहब एंड सदा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. जिस तरह आपने कहा, क्योंकि एक लंबी वाबस्तगी रही है ये ARY के साथ, इसीलिए अनऑफिशियली ARY वाज ऑलवेज फैमिली. हमेशा ख़ानदानी फील होता था. और क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी डिसएग्री करेगा आपकी इंस्टीट्यूशन में, आपके इदारे में, क्योंकि मैनेजमेंट भी इतनी अपनाइयत और इतने प्यार के साथ अपने लोगों को संभालती और आगे लेके चलती है. तो मैंने क्योंकि ये इनडायरेक्टली देखा, इतने सालों के ऊपर ये रिश्ता रहा, तो मुझे हमेशा अनऑफिशियली फैमिली ही लगती थी ARY. अब ऑफिशियली ऑन पेपर भी हम फैमिली बन गए हैं. सो अल्लाह का बड़ा करम है. इंशाल्लाह ताला उम्मीद यही है कि पाकिस्तान के लिए, सहाफत के लिए ये रिश्ता, ये नई वाबस्तगी जो है, ये इंशाल्लाह ताला बेहतरीन साबित हो, बाबरकत साबित हो. जाहिर है कि ये ARY के लिए भी बड़ा मुश्किल लास्ट ईयर रहा और उसके बाद ये साल आसान नहीं था. जाहिर है कि मुकदमात, सदर पे मुकदमात, अरशद शरीफ साहब का जो मामला रहा और जिस तरह से उनकी शहादत हुई और ये एक एक वॉइड रहा, बड़ा मुश्किल था सबके लिए. फिर जब आपको अप्रोच किया गया तो आपके माइंड में क्या था, क्या आपके जहन में चल रहा था, क्या तासरात थे, क्या सोच थी? फ्रेंकली स्पीकिंग, प्रोफेशनली इट वुड बी अ ड्रीम फॉर एनीबडी टू वर्क फॉर ARY. एक वर्टिकल मूव है, एक बेहतरीन इदारा है. यू नो, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वॉच चैनल्स इन द कंट्री. सो प्रोफेशनली तो एक नो ब्रेनर था. मुझे और भी बड़े फैक्टर्स ऑफकोर्स कंसिडर करने पड़े थे, मगर क्योंकि आपने अभी अरशद का जिक्र किया, देखें ये स्लॉट जो है ना, ये ARY फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और स्पेशल और ख़ूबसूरत भी है. ये स्लॉट हमेशा बहुत स्पेशल रहेगा अब ARY फैमिली के लिए. मुझे इसका अंदाज़ा था, मुझे इसका आज भी अंदाज़ा है. और मैं ये मौका लेना चाहूँगी ये कहने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह के पैगाम भेजते हैं, बहुत सा दबाव और प्रेशर भी आता है. देखें, देर इज़ नो कंपैरिजन. मैं कभी भी ये दावा नहीं करती और ना ही मेरी ये जुस्तुजू होगी कि आई वॉन्ट टू टेक हिज प्लेस. अरशद की कोई जगह नहीं ले सकता. अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे. वो अपनी ज़िंदगी में ही हैड ग्रोन सो बिग. अपनी ज़िंदगी में ही उसको इतनी मोहब्बत और इतनी इज्जत मिल गई और अपनी शहादत में तो वो ही इज़ लार्जर देन लाइफ. बिल्कुल, वो डट के खड़ा रहा हक और सच के रास्ते पे. उसने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. मेरे अभी ये बातें करते हुए भी रोंगटे खड़े हो गए. मेरी आंखों के सामने अरशद है और हमेशा रहेगा. उसका हंसना, उसका बोलना, उसका एक स्टांस लेना, यू नो, ही वाज अ पर्सनल फ्रेंड एज वेल. तो कॉलीग तो था ही, मगर एक भाई था और एक दोस्त था. तो मेरी तो ये जुस्तुजू है ही नहीं, ना मेरा ये दावा है. मेरा ये ज़रूर कोशिश होगी कि ऑफकोर्स यू नो, वी ऑल वर्क टुगेदर. जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि हमने आज इतनी पोलराइज सोसाइटी है, इतनी हैवीली पोलिटिसाइज हमारा मुल्क हो चुका है, इतनी अदम बर्दाश्त है कि इस अफरा तफरी में, इस केओस में, इस कन्फ्यूजन में हमारा ये ज़रूर काम और अज़म हो सकता है कि हम हमेशा फैक्ट्स जो हैं वो मंजर आम पर लाएँ. हम हमेशा विदाउट फेयर और फेवर टू द गवर्नमेंट, टू द पावर्स दैट बी, जो भी इकतदार में है, जिसके पास जिम्मेदारी है, हम उससे सवाल कर सकें और सही सवाल रेज कर सकें विदाउट फ्लिंचिंग, विदाउट बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड. आई मीन, ये मेरी जुस्तजू हमेशा रहेगी और रहनी चाहिए हर सहाफ़ी की कि आप फैक्ट्स लेकर आएँ. क्योंकि आज के दौर में अनफॉर्चुनेटली रियलिटी और ट्रूथ हर एक की अपनी अपनी है. हर एक का अपना सच है. आपका सच कुछ और है, मेरा सच कुछ और है. मॉर्निंग शो से गालिबन आपने शुरू किया था,
फिर तेज़ी से आपका सहाफ़ती करियर शुरू हुआ और फिर देखते ही देखते आप इतनी मकबूल हो गई कि बस मेहर बुखारी का नाम ही काफ़ी है। तो ज़रा हमें बताइएगा कैसे शौक आपका, ये क्या बचपन से शौक था, क्या था, कैसे आई इसकी ओवरऑल अगर आप कहें कि ये किस तरह ये साल गुजरे हैं तो पलक झपकते ही गुजर गए हैं, पता नहीं लगता। मगर अगर आप बैठ जाएं चाय के कप के साथ तफसीली बात करने तो मैं आपको हर वो चैप्टर और हर वो बाब जो है बड़ा तफसीली बता सकती हूँ जिधर बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। तो मैं ज़रा बताएं, पाकिस्तान की सहाफत के दो बड़े नाम, हाँ। काशिफ अब्बासी, मेहर बुखारी, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, हाँ। एक ही घर में, तो चाय की टेबल पे सियासी तज्जिया जो है तो बड़ा घर में ही शुरू हो जाता होगा। तो होती है सियासी बातें घर पे सारे तज्जिये, या सिर्फ ये सेट और न्यूज़ अपने चैनल्स की हद तक ही हैं? हर कोई यही हमेशा पूछता है। देखिए एक नेचुरल सी बात है, बिकॉज हम इतना ज़्यादा इंग्रॉस्ड हैं अपने काम के अंदर कि एक पॉलिटिकल डिस्कशंस हो जाते हैं। हम बड़े रेगुलर लोग हैं एंड समटाइम्स ये मुश्किल हो जाता है लोगों को अंडरस्टैंड करना। ही इज़ अ रेगुलर फादर, ही इज़ अ रेगुलर हस्बैंड, आई एम अ रेगुलर मदर, आई एम अ रेगुलर वाइफ। हमारे भी घर के वही मसाइल हैं, मैं अपने बच्चों के डायपर भी बदलती हूँ, मैं उनको स्कूल भी लेके जाती हूँ, उनको होमवर्क भी कराती हूँ, मेरे वही सारे, मैं ससुराल के साथ रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वही रियलिस्टिकली हमारी वही ज़िंदगी है जो सब की है। अच्छा ये बताएं कि ईद की शॉपिंग वगैरह मौका मिलता है, कौन करता है, इतनी बिजी लाइफ में किस तरह से मैनेज करती हैं? बच्चे खुद हाथ घसीट के इंश्योर करते हैं कि उनकी ईद की शॉपिंग हो जाए, मगर वो मेरी बेटी प्रेफर करती है कि उनके वालिद उनको लेके जाएं बाहर। सो हमारा काम भी बन जाता है जब उसकी ख़रीदारी हो रही होती है। अभी रिसेंटली भी उसकी चीज़ें सारी ख़रीद के दे रहे थे उसके अब्बा, और फिर ऑफकोर्स मेरे लिए भी चीज़ें आ गई। इसी तरह ही हो जाता है, आई मीन इट्स लाइक अ वेरी रेगुलर फैमिली। बाहर जाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, बच्चों के नखरे होते हैं। और काशिफ भाई की शॉपिंग कौन करता है? आप खुद करते हैं या वो खुद पसंद करते हैं, क्या होता है, क्या चक्कर? यूजुअली क्योंकि उनकी वालदा, अल्लाह जन्नत नसीब करें, हमेशा वो उनके लिए ईद का जोड़ा तैयार करती थी। उनकी वफ़ात हो गई है अब, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ही उनके ईद के जोड़े अब तैयार करूँ और यू नो उनकी शलवार कमीज़ तैयार हो। बट वो पर्सनली ही टेक्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन हिज क्लोथ्स। और दूसरा गुस्सा वगैरह आप कौन ज़्यादा करता है, डाडा कौन है घर में? Who should be the home minister? I am the home minister. यही होना चाहिए। Without a doubt, without a doubt. I am. अच्छा ये हमारी बहस जरूर छिड़ती रहती है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है घर का। वज़ारत दाखला मेरे पास है, GHQ वो ले लें। इख्तियार जिसके पास होना बस okay. वही पावरफुल है। मेहर अब ईद के दिन पे कोई जाते जाते आप पैगाम देना चाहें, कोई मैसेज क्या कहना चाहेंगी आज? हम सब आपके पास एक न्यूज़ शो लाने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, उतनी एक्साइटमेंट और पज़ीराई आपकी तरफ से भी मिली तो हौसला बहुत बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। और उम्मीद यही है कि ऑफ कोर्स इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए हमेशा पाकिस्तान के मुफाद के लिए और पाकिस्तान को आगे रखते हुए हम सब काम करें। ये मुल्क है तो हम हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर वी ऑल नीड टू ड्रॉ अ लाइन। ठीक है जी, थैंक यू सो मच मेहर बुखारी फॉर बीइंग विद अस, और ईद मुबारक हो आपको, बहुत बहुत ऑलवेज अ प्लेजर। ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। ठीक है जी।